Congratulations from all of us at NDTV. You've made everyone proud. So firstly, what is the feeling right now with this amazing crowd on your head? First of all, bahut grateful because ye opportunity, ye, like sab kuch bahut zyada hi overwhelming hai. Kyunki अभी मेरे पास वर्ड्स भी नहीं एक्सप्लेन करने को कि मैं कितने खुश हूँ, कितना कुछ दिमाग में चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है. राइट मान्या, हम टीवी स्क्रीन पर अभी कुछ इमेजेस दिखा रहे हैं, फोटोज दिखा रहे हैं आपके और आपके फैमिली के, बहुत ही प्यारे फोटोज हैं. आप अगर आप भी देखिए, लोग आपको सुन रहे हैं, बताइए ये कहाँ पर लिए ये फोटोज, ये कौन आपके मॉम और डैड है, आपके डैड का ऑटो रिक्शा है, ये कहाँ पर ली थी फोटो और कब ली थी? ये मेरा मेरे घर से निकलते ही एक रास्ता है वहाँ पे, तो मेरा सेशन चल रहा था, तो एक दिन मैंने बोला मम्मी पापा मुझे एक फोटो चाहिए क्योंकि हमारे कभी साथ में फोटो नहीं है. तो मैं सेशन के बीच में से उठ के गई थी और फोटो दोनों लोगों के साथ में लिया था. आप बताइए, आप एक दिन उत्तर प्रदेश में रहती थी, आपने ट्रेन पकड़ी और आप मुंबई आ गई. ट्रेन की जर्नी 2-3 दिन की थी, आपके पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, क्या आपके माइंड में था उस वक्त? मेरे माइंड में एक चीज था कि अब कदम तो उठा लिया है, अब निकल चलते हैं क्योंकि पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद वही रह जाएंगे. और जब कुएं से मेंढक बाहर आता है तो थोड़ा तो अनकंफर्टेबल होगा ही. फिर आप मुंबई आए और आपने पिज्जा हट में भी काम किया, कब कब की बात है ये? लाइक मुझे एग्जैक्टली डेट्स वगैरह तो याद, जब मुंबई आई थी तब मैंने ज्वाइन किया था. उस टाइम पे मेरे पास कोई भी आईडी प्रूफ नहीं था, लाइक नो आधार कार्ड, नो पैन कार्ड, मतलब मुझे ये प्रूफ करने का कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जहाँ पे वो बोल सको कि मेरा नाम मान्या सिंह है सिवाय मेरे सर्टिफिकेट्स के. तो क्या किया आपने पिज्जा हट में, क्या जॉब थी आपकी? जब मैं पहले दिन पिज्जा हट में गई थी तो मुझे वो बड़ा ब्लू कार्टन वाला नींबू भर के दिया था उन लोगों ने. okay. और बोला था काटो और स्क्वीज करो. okay. और मैंने कभी भी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा कभी नींबू नहीं देखा था एक साथ, बट वो पूरे हाथ में छाले पड़ गए थे ऑनेस्टली. और फिर वहां से मैंने बोला कि जर्नी इतनी स्टार्ट नहीं होने वाली. तो मैंने पिज्जा हट ज्वाइन किया, मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन किया. कॉल सेंटर में भी आपने काम किया, ये फोकस था कि ग्रूम करना है अपने आप को? यस, हमेशा से एक चीज, कॉल सेंटर में एक ट्रेनिंग मिलती है वॉइस एक्सेंट के लिए कि आप कैसे बात करते हैं. मैं आपको और पीछे ले जाऊंगा, आपके स्कूल के दौरान आपने पढ़ाई तो खत्म की, लेकिन आप कह रही थी कहां पर मैंने सुना कि आपको पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स के पास स्कूल फीस के लिए पैसे नहीं थे, तो कैसे खत्म हुई, कैसे थे वो दिन? थर्ड स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में मुझे हमेशा क्लास के बाहर खड़ा कर देते कि आपके पेरेंट्स ने फीस नहीं दिया है, एग्जाम के बीच में से उठा देते. तो मम्मी हमेशा से ही जो भी उनके पास थोड़ी बहुत होती थी गिरवी रखती थी, वो पैसे ला के फीस भरती थी, मतलब एग्जाम देने के लिए.